हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल वाहेगुरु अचीवर्स में। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन सेकंड है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300। हमको क्या करना है, हमारे पास ये जो कंडीशन है इससे हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसको कन्वर्ट करना है और फिर हमें इसको ग्राफिकल भी कन्वर्ट करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास बोल रखा है कि जो क्रिकेट के कोच हैं वो 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं 3900 रुपए की। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बैट की कीमत को और बॉल की कीमत को एक्स और वाई लेट कर लेना है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीस। इसी तरीके से हमें बॉल की कीमत को वाई रुपीस कर लेना है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीस। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो कंडीशंस दे रखी है दो, उससे हमें एक इक्वेशन बनानी है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है। तो हम देख सकते हैं कि कोच ने 3 बैट खरीदे थे और 6 बॉल खरीदी थी। तो अगर एक बैट की कीमत एक्स रुपीज है तो 3 बैट्स की कीमत 3x रुपीज होंगी, क्योंकि अगर एक बैट की कीमत 5 रुपीज होती तो हम 3 बैट की कीमत निकालने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 3 × 5 = 15 रुपीज हमें देने पड़ते। तो इसी तरीके से हमने इसको x माना है तो यहां पर 3 बैट की जो कीमत हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। ओके, तो एक तो वो इतने पैसे देगा जैसा भी मैंने आपको बताया था, और एक 6 बॉल खरीदी है उसने और हमने उसको y रुपीस माना है तो 6 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y रुपीस भी उसको देने पड़ेंगे बॉल के लिए, और इज इक्वल टू उसने क्या करा है, उसने 3900 रुपीस उसने पे किए हैं। तो बड़ा इजी है ये इक्वेशन बनाना, 3x + 6y = 3900। इसी तरीके से आपका सेकंड इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि शी बायस अनदर बैट, वह एक और बैट खरीदती है, तो एक बैट खरीद रही है तो एक को हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ही आएगा। देखते हैं कितनी बॉल और बाय कर रहे हैं, वो 2 मोर बॉल्स, दो और गेंदे खरीद रहे हैं वो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2y। टोटल अब कितना पे कर रहे हैं वो, अब वो 1300 रुपीस कर रहे हैं। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन बन। ओके, हमें करना क्या है, हमें अब इनसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर उनको ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस आई हैं इनसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उससे हम अपना ग्राफ रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 3x + 6y = 3900। ओके, इससे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6y को वहां ले जाते हैं हम, माइनस का हो जाएगा, 3 को हम डिवाइड में ले आते हैं, हमारे पास जो इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है ना, x की जो ये वैल्यू निकली है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर y की वैल्यू पुट अप करते रहते हैं और x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस y की जगह पर हम 500 रखते हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारा इजी हो जाएगा ग्राफ बनाना। देखते हैं हम कैसे, तो हम क्या करते हैं, पुट y = 500।
ओके, y की जगह पे हम 500 रखते हैं, तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6, और y की जगह पे क्या रखना है हमें, 500 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करते हैं आगे, 3900 5 6 30 तो 3000 आ जाएगा अपॉन 3, माइनस करेंगे तो हमारे पास 900 बचेगा अपॉन 3, इसको इससे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास यहां पर 300, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 300। तो हमारे पास अभी एक वैल्यू निकली है। इसी तरीके से हम एक दो वैल्यूज और निकाल लेते हैं, कम से कम हम तीन वैल्यू, दो वैल्यू से भी ग्राफ बन जाएगा लेकिन तीन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमको और इजी लगे ग्राफ बनाने में। तो अभी हमने 500 रखा है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 300 आई है। ओके, अब हम इससे आगे करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये हम याद रखें कि फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसका भी कर रहे हैं, इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहां पर x, यहां पर y। ओके, अभी हमने क्या करा, हमने y की जगह पे 500 रखा था और हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 300 मिली है। ओके, इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू 600 रख देते हैं ताकि इजिली वो एक ऐसी डिजिट आ जाए जिससे हमारा ग्राफ जो है वो इजिली क्रिएट हो जाए, बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं, y की जगह पर 600 पुट अप कर देते हैं और उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, y की जगह पे 600। अब दोबारा यही x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 600, ओके, डिवाइडेड बाय क्या था, 3। x इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3900, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 6 36, 3600 आएगा। जब 3900 में से 3600 माइनस करोगे तो 300 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसको क्रॉस कर दोगे तो 100 आ जाएगा। हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जिससे हम आसानी से अपना ग्राफ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब जो है वो 100 200 300 इस तरीके से डिजिट्स हैं 3 नंबर्स में, तो हमारे लिए इजी होगा ग्राफ बनाना। अभी हमने 600 रखा था और हमारे पास क्या वैल्यूज आई है, x की 100 आई, ठीक है ना, x की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 100 आई। ओके, इसी तरीके से हम एक और निकाल लेते हैं, दो से भी हमारा ग्राफ बन जाएगा लेकिन एक और निकालेंगे तो और इजी होगा हमें ग्राफ बनाना। अब हम इसी तरीके से हम 700 रख लेते हैं, हम कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि उससे आपका ग्राफ ज्यादा प्रॉब्लम में ना आए, आपको कोई परेशानी ना हो ग्राफ बनाने में। वैल्यूज आप कोई सी भी पुट अप कर सकते हैं, एक ग्राफ एटलीस्ट ऐसा बने कि जो दिखाई दे सही से, इतना ज्यादा छोटा नहीं, इतना ज्यादा बड़ा नहीं कि इतना छोटा हो जाए कि वो बहुत ही, मतलब इतना छोटा हो कि चेक करने में, एग्जाम में उसको चेक करने में या कभी भी हम उसको दोबारा से एक बार और देखने की कोशिश करते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता चले कि हमने कहाँ कहाँ पॉइंट्स रखे थे, और इतना बड़ा नहीं कि वो ग्राफ पेपर से भी हमारा बड़ा हो जाए और हमसे बन ना पाए। y की वैल्यू हम 700 रख देते हैं। ओके, दोबारा वही x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 3900 4200 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू, हम माइनस करेंगे 42 में से 39 तो 300 आएगा, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास अब माइनस का 100 आ जाए। ओके, अब हमने क्या वैल्यू पुट अप करी थी, हमने यहां पर 700 करी थी। ओके, हमारे पास माइनस का 100 आया। ओके, हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज निकाल ली है,
अब उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन से वैल्यूज निकालेंगे और यही प्रोसेस हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी सेकेंड जो इक्वेशन है उससे वैल्यूज निकालते हैं। तो हमारे पास थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। x की वैल्यू निकालने के लिए 2y वहां माइनस में ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं जैसे भी हमने इससे पहले इक्वेशन में किया था। ओके, तो सबसे पहले हम दोबारा y की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हम क्या पुट अप करते हैं यहां पर 500 रख देते हैं, तो हमारे पास इजी हो जाएगा, फिर वही 100 100 में आ जाएगा, तो हम y की जगह पर 500 रखते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 500 रख देते हैं, 1300 500 1300 1000। हमारे पास कितना बचा, 300। ओके, अब इसी तरीके से हम अपना टेबल बना लेते हैं जिसमें हमने वैल्यूज अभी रखनी है। तो यहां पर x, यहां पर y, अभी हमने y की जगह पे क्या रखा है, 500 रखा है, और x की जगह पे क्या आया है, 300 है। ओके, इसी तरीके से हम आगे पुट अप करते हैं, y की जगह पे हम पुट अप कर देते हैं 600। ओके, अब दोबारा ये इक्वेशन है, इसमें y की जगह पे 600 पुट अप करते हैं, थर्टीन हंड्रेड, सिक्स टू जै 1200। ओके, हमने यहां पर क्या पुट अप किया, हमने यहां पर 600 रखा और हमें x की वैल्यू क्या मिली, 100 मिली। अब हम क्या करते हैं, 700 पुट अप कर लेते हैं इसी तरीके से, 700। ओके, तो यहां पर हम 700 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 700, 1300, 7 टू जा 1400, और हमारे पास यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 100। हमने यहां पर क्या रखा था, 700 रखा था और हमारे पास आया माइनस 100। हम ये देख सकते हैं कि अभी हमने इससे पहले जो इक्वेशन में जो टेबल बनाई थी, जो वैल्यूज निकाली थी, वो सेम यही वैल्यूज निकली थी। अगर हम इसका आप ग्राफ बनाएंगे इस वैल्यूज से और इससे पहली वाली वैल्यूज से, तो वो भी सेम वैल्यूज आई थी, 500 रखने पर 300, 600 रखने पर 100 और 700 रखने पर माइनस 100। तो इसका मतलब हमारे पास अब दो अलग अलग ग्राफ की लाइनिंग नहीं बनेगी, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक ही आ जाए, इसकी भी वही वैल्यूज है, उसकी भी वही वैल्यूज है, तो हमारे पास एक ही लाइन शो होगी ग्राफ में। आइए हम वो देखते हैं। हमारे पास थर्ड सम सेकेंड सम के जैसा ही है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। हमारे पास यहां पर एप्पल्स और ग्रेप्स हैं, इससे पहले हमारे पास बैट और बॉल थे, हमने बैट को एक्स और बॉल की कीमत को वाई माना था। इसी तरीके से हम यहां पर 1 किलोग्राम, ठीक है ना, एप्पल्स की कॉस्ट को हम एक्स मान लेते हैं और ऐसे ही 1 kg 1 किलोग्राम ग्रेप्स की जो कॉस्ट है उसको वाई मान लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू ₹X। इसी तरीके से लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले 2 किलोग्राम एप्पल्स थे, 2 kg एप्पल्स थे, आपने 1 kg एप्पल्स को x माना है, तो 2 kg एप्पल्स की कीमत 2x हो जाएगी, जैसे आपने इससे पहले वाले सब में किया था 2x, और 1 kg आपके पास जो ग्रेप्स हैं उसको आपने y माना है, तो y इज इक्वल टू 160। इसी तरीके से आपकी दूसरी जो इक्वेशन होगी वो
आपके पास 4 kg है 4x प्लस आपके पास है 2 kg तो 2y इज इक्वल टू, अब आपने टोटल पेमेंट करी है 300 तो 300। ये सेकेंड इक्वेशन, अब हम इनसे वैल्यूज निकालते हैं फिर उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो ये दो इक्वेशन थी इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y। अब हम क्या करते हैं, y की जगह पे कोई वैल्यू पुट अप कर देते हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज निकालकर हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहां पर 20 रख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 20, तो y की जगह पे हम 20 पुट अप करते हैं, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 140, ओके x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2, 27 जा 14, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई, ठीक है ना, 70। तो हमने y की जगह पर वैसे ही हम टेबल बना लेते हैं ताकि ग्राफ में हेल्प मिलेगी हमको। एक x है यहां पर, y रखते हैं, तो हमने अभी y की जगह पे 20 पुट अप किया था तो हमारे पास x की वैल्यू 70 आई थी, ओके अब हम आगे पुट अप कर लेते हैं। ओके ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। अब हम इसकी जगह पर 40 रख के देखते हैं, तो y की जगह पर 40 पुट अप करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40, तो हमने y की जगह पे 40 पुट अप कर दिया है, 2x is equal to 120, x is equal to 120 upon 2, 60, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। तो अभी हमने क्या पुट अप करा था, हमने y की वैल्यू रखी थी, ठीक है ना, 40, और हमको अभी गेट हुआ x की वैल्यू 60, ओके आगे करते हैं, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। हम अब 60 रख देते हैं y की वैल्यू, हम y की वैल्यू यहां पर 60 रखने जा रहे हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो दोबारा 2x is equal to 160 minus 60, 2x is equal to 100, x is equal to 100 divided by 2, 50, x is equal to 50, तो क्या आया x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू आपने 60 रखी है तो x की वैल्यू आपकी 50 आ गई, ओके। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकेंड इक्वेशन से वैल्यूज निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ओके तो 4x इज इक्वल टू 2y को वहां ले जाते हैं, माइनस में हो गया, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4। अब हम y की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वही हम अपने वैल्यूज में x और y को इस तरीके से डिनोट करेंगे जैसे भी हमने पहले वाले सम में किया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू ऐसे रखते हैं जिससे हमारा जो वैल्यू आए वो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इजी वैल्यू रहे हमेशा, ओके तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, सीधा हम y की जगह पे 0 पुट अप कर देते हैं, तो पुट y is equal to 0, तो जहां जहां पे y है वहां पे 0 रख देंगे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो खाली 300 upon 4 बचेगा, तो x की वैल्यू 300 divided by 4, 47 जा 28, 45 जा 20, ओके अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से आगे वैल्यूज रखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, tan रख देते हैं प्लस का, अभी हमने x y, ओके अभी हमने y की जगह पर हमने क्या रखा था, 0 रखा था, तो हमारे पास 75 आया था। अब हम क्या रखने जा रहे हैं, अब हम y की जगह पे पुट अप करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10, तो हम y की जगह पे 10 रख रहे हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई
10, y की जगह पे हम 10 पुट अप कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4, 320 डिवाइडेड बाय 4, 280 डिवाइडेड बाय 4, 70, x की वैल्यू आई हमारे पास 70, हमने y की जगह पे क्या रखा था 10 और x की वैल्यू आई 70। इसी तरीके से अब हम y की जगह पर माइनस का 10 पुट अप कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है, माइनस 10, हम यहां पर माइनस 10 पुट अप कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 और y की जगह पर माइनस 10, ये y की जगह पे माइनस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 300 माइनस माइनस प्लस 10 टू जा 20 डिवाइडेड बाय 4, 320 डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 8 जा 32, 0, x की वैल्यू आई हमारे पास 80, ओके, माइनस 10 रखने पर x की वैल्यू आई 80, ओके, अब हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं दोनों इक्वेशन की, बड़ी इजीली हमने करा, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा।